वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हम आपको जो है संस्कृत व्याकरण का जो संधि चैप्टर शुरू किए हैं उसका दूसरा वॉल्यूम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? दूसरा भाग पढ़ाएंगे। इसके पहले जो है इसका जो पहला भाग हम पढ़ा चुके हैं, यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। इसको देखने के बाद उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो ये देखिए संधि चैप्टर जो है आपके जो है एग्जाम में यह 9th और 10th दोनों के लिए जो है एकदम महत्वपूर्ण चैप्टर है। ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता है लेकिन बोर्ड के दृष्टि से जो है बहुत ज़रूरी है। आपके मैट्रिक एग्जाम में इसमें से जो है छः से सात प्रश्न जो है आपको गारंटी ही रहने वाले हैं। इसलिए इसको हल्के में आप नहीं ले सकते हैं, सीरियस होकर सीखिए, समझिए। कल हमने आपको बताया था कि संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसमें जो है हमने स्वर संधि को बताया कि स्वर संधि 5 प्रकार के होता है, और 5 प्रकार का जो पहला प्रकार था कल दीर्घ संधि, उसको हमने कल के वीडियो में आपको सिखा रखे हैं, तो उसको अपना देख लीजिएगा। लेकिन पहले यहाँ पे आइए, पहले इसको समझिए पहले। अब यहाँ जो है स्वर संधि का दूसरा प्रकार हम पढ़ाने चल रहे हैं, गुण संधि। तो गुण संधि का जो है रूल पहले समझ लीजिए ताकि बनाने में कोई भूल नहीं होगा आपसे। यहाँ समझिए रूल, यहाँ रूल समझिएगा। यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई रहे, कौनो रहे, अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई में से कौनो एगोरा हो जाए तो लास्ट में जो है दोनों मिलकर क्या रिजल्ट देता है, ए हो जाता है। ए क्या हो जाता है? ए, एक दिगो होता है ए होता है, आएगो होता है अय। ध्यान दीजिएगा, एकर मतलब हो गया जैसे क पर ए लगाइएगा तो क पर एक ले के हो जाएगा, आ क पर जब आए लगाइएगा तो क पर दो ले कय हो जाएगा। तो इसका मीनिंग समझिएगा अपना। तो ये आपका ए हो जाता है, मतलब एगो एकले हो जाएगा। यहाँ समझिए अ या आ के बाद हर्षव रहे चाहे दीर्घव रहे तो आपको इसके बाद ये दोनों भेटाएगा तो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। उसी तरह अ या आ के बाद यदि री मिल जाए तो आपको जो है क्या बन जाता है मिलकर ये दोनों, अर बन जाता है, अर। तो होश में इसको याद रखिए क्योंकि एक नंबर इसमें से आपका भी रहेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट रहेगा। अ प्लस ई क्या होगा? ऑप्शन में ए रहेगा, आय रहेगा, ओ रहेगा, कुछ कुछ रहेगा, तो आपका क्या वाला हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सूत्र हो गए, ये आपके फॉर्मूला हो गए। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करके अब हम चलते हैं इस एग्जाम्पल में कैसे कैसे होता है बताते हैं आपको। यहाँ चलिए पहला एग्जाम्पल समझिए, परम प्लस ईश्वर क्या हो जाएगा। देखिए तो फर्स्ट वाला के जो है फर्स्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड है, तो फर्स्ट के लास्ट में जाइए, इसका स्वर देखिए और लास्ट वाला के फर्स्ट का स्वर देखिए और बस उसी को मिला के बनाइए। तो परम में म है तो म में मिलेगा अ, म में क्या मिलेगा? अ मिलेगा, आधा म आ प्लस अ, तो म में कौन स्वर छुपल है? अ। तो ए में के अ और आगे है कौन? दीर्घई है, मतलब बड़ी ई है। तो अ प्लस बड़ी ई, बड़ी ई हो छोटी हो कुछ हो, तो यहाँ देखिए अ प्लस ई क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो ए के मतलब क्या होता है? एकले के। तो अब लिखा जाए तो प र म, प र म, म में के ओ, ओ आई वाला ई मिल के ए हो गया। ए मतलब पर में, म पर ए जोड़ दिए तो ए हो गया, एकले हो गया पर में। और ये जो स्वर दिख रहा था ये तो आपका उसमें घुस गया, रून में घुस गया, आ स्वर लगा दीजिए तो परमेश्वर हो गया। लास्ट का जो विसर्ग है इससे कोई फर्क ना पड़ता, आप दे दीजिएगा। फिर पूछेगा कि इसमें किन किन स्वरों का जो है मेल हुआ है, तो उन स्वर को भी लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में आपको। तो परम में से अ मिला है तो अ लिख लीजिए, आ ईश्वर में के आपका ये फर्स्ट में दिखाई दे ये रहा है तो प्लस लगा के ई लिख लीजिए। तो ये दोनों मिलने से क्या बनता है? तो ए बनता है, तो ए लिख लीजिए। तो ये अभी आपके एक नंबर के पूछते हैं, ठीक है। तो परम प्लस ईश्वर क्या हो गया? परमेश्वर। किन स्वरों का मिलन हुआ है परमेश्वर में? तो अ प्लस बड़ी ई बराबर ए हो गया है। ऐसे ही हम आपको अब आगे पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए लंब प्लस उदर, तो ब में के अ मिला आ इधर उ है तो अ प्लस उ क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ मतलब कर्मत को,
तो यहाँ समझिएगा, तो ये आपका जो लंब प्लस लंब में के अ प्लस उ तो ओ हो गया, तो अब इसको सेट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा लंब आ ओ लगा दीजिएगा तो लंबो आ दर लंबोदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबोदर हो जाएगा। इसमें किस किन स्वरों का मेल हुआ है? तो लंब में के ब में से अ मिल गया आपको आ उधर में के उ मिल गया, तो अ प्लस उ बराबर क्या होता है? ओ होता है। तो ये भी आपको लिखना होगा, तो ये लिख दिए आप, उसी प्रकार बनाते चलेंगे। चंद्र प्लस उदय तो क्या हो जाएगा? साथ साथ बताइएगा आप लोग, तो क्या हो गया आपका? चंद्रोदय, चंद्रोदय हो गया। उ अ प्लस उ ओ हो गया, तो द्र प ओ गया तो द्रो हो गया, तो चंद्रोदय। किन स्वरों का मिलन हुआ है? तो द्र में के अ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा? ओ। तो आपको जो है जोड़ने के लिए एक नंबर पूछेगा, एक नंबर ये पूछेगा, एक बार पूछेगा ये देख के तोरेला कहेगा, तीन नंबर के पूछ दिया आएगा, पूछ देगा आपको किस प्रकार का जो है ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है किस संधि का प्रकार है, मतलब है। यहाँ चलिए महा प्लस ऋषि, तो महा यहाँ ओ या आ के बाद री रहे तो अर हो जाता है, अर आर नहीं है अर है, तो होश में रहिए। देखिए तो आ मिल गया, हा में के आ मिल गया, आई री है तो आ प्लस री अर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर महा में के आ निकल गया तो मह बच गया, क्या बच गया जी? मह हो गया। आ री मिल के अर हो जाता है, तो इसलिए अर तो आकार होगा नहीं, तो उसी तरह रह जाएगा और आपका जो है इस प्रकार से महर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर्षि। ये वाला जो र है ये आधा र पहले ही बुलाता है, तो महर्षि हो गया। लिखेंगे स्वर वाला तो आ प्लस री बराबर क्या हो जाएगा आपका? अर। तो इसको भी ध्यान रखेंगे अपना। अब आगे देखिए सूर्य प्लस उदय, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा सब कोई को, तो सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएगा? सूर्योदय। सूर्योदय एकदम इस एग्जाम में पूरा एकदम इसी का राज है, बहुत ज़्यादा संस्कृत व्याकरण में जो है संधि विच्छेद आपको पूछे जाएंगे। तो अच्छा समझ लीजिए, नंबर के अगर टाल लगाना है, यदि आप 95-96 नंबर लाना चाहते हैं तो ग्रामर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ग्रामर के बिना आपका नंबर जो है ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए ग्रामर के हर चैप्टर को एकदम अच्छे से एकदम पढ़ना होगा, तब नंबर जो है 95-97 नंबर संस्कृत में आपका रहेगा। राजा प्लस ऋषि ये सेम टू सेम चार नंबर की तरह है, तो राजा में के आ री आ प्लस री अर हो गया, तो ये राजा अर्षि मत लिखिएगा, राज अर्षि। तो रा आ ज आ निकल गया तो राज बच गया, तो राज आ री मिला, आ में के री मिला तो अर हो गया, तो राजर्षी चूँकि अर है तो आधा रन है जी, आधा रहे तो आधा रहे यहाँ पर चल जाएगा, राजर्षी हो गया। लास्ट के दो विसर्ग है लगा दीजिए, ये अपना ब्रैकेट में क्या होगा उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, तो ये आपके हवाले कर दिए अपना लिख लीजिएगा। उसी प्रकार नर प्लस ईसा क्या होगा, महा प्लस उरु क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, तो अपने फेर करेंगे तो उसमें अपने इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम पढ़ाते हैं आपको यन संधि। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसका तीसरा प्रकार जो है यन संधि है, इसके रूल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ रूल समझिए, यदि ई छोटी ई हो या बड़ी ई हो, कोई हो, छोटी ऊ हो बड़ी ऊ हो जो भी हो, तो यदि ई फैमिली या ऊ फैमिली समझिए, यदि ई ऊ री और लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो क्या क्या परिवर्तन होगा। तो ई का जो है य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और लिरी का ल हो जाता है। तो इसको एकदम याद रखेंगे, एकदम होश में रखेंगे इसको, तो यहाँ समझ लीजिएगा लिरी भी एक प्रकार का संस्कृत का एक स्वर है, लिरी भी एक क्या है, लेटर है संस्कृत का। तो यहाँ देखिएगा ई ऊ री लिरी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ई का य हो जाता है, आधा य है, हलंत लाइन का मतलब क्या है, उस आधा है वो, ऊ क्या हो जाता है व बन जाता है, री र बन जाता है, लिरी ल बन जाता है। तो इसको याद रखिए, आइए इसका यूज हम लोग अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं ताकि फॉर्मूला क्लियर हो जाए। यहाँ चलिए पहला एग्जाम्पल आपका इंतजार कर रहा है। हेलो मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी क्या होंगे? तो यहाँ अच्छा सीखेंगे विद्यार्थी, बड़ा विद्यार्थी से कन्फ्यूजन बना कर रखता है ये वाला जो है यन संधि।
तो यहाँ समझेंगे मधु, तो मधु में कौन स्वर है, उ है, तो उ स्वर हो गया। अब बाद में उ के अलावे कोई भिन्न मतलब अदर स्वर अ दे दिया है, तो इसको बनाएंगे कैसे देखिएगा। तो ये फर्स्ट वाला जो है इसको कोई मतलब नहीं, म के म आ जाएगा, आ गया। आ धप जो धप जो उ है तो धू है, तो एक स्वर जब हटता है तो जवना पर से स्वर हटता है उसको समझिए बेसहारा कर देता है, वो आधा हो जाता है। जे पर से स्वर निकलेगा ना जी, वो चिजवा हो जाएगा आधा। तो इध अब हो गया आधा, जो संगे संगे था समझिए कि पटनारी का टूट गया, आई कमजोर पड़ गया, भैयारी टूटला के बाद कमजोर पड़ जाता है, तो ये भाई था सपोर्टर था, आई हटा तो समझिए आधा पावर हो गया। तो ध पके धू ऊ निकला तो ध जो है अब सौसे न रह के कहा जाएगा आधा हो जाएगा। अब समझिए लेके इधर चलिए, ऊ के लेके चलिए यहाँ पे ऊ, अब बाद में कौन है ओ, तो क्या बताया गया है आपको, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ का बन जाएगा, व बन जाएगा, क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। तो वह हो गया, वह हो गया। तो अब यहाँ आप का लिख दीजिएगा भाई, वह लिख दीजिएगा, तो वह लिख दीजिएगा, लेकिन हई अ है, आई अधे वनु है जी, यहाँ देखिए अधे वनु है, लेकिन ई अ जो है एकरा के सौसे कर दिया, क्या कर दिया, सौसे कर दिया, उसको स्वर मिल गया तो कंप्लीट हो गया। आइए लास्ट का जो री है, री को लिख दीजिए, मधुवरी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मधुवरी। सबसे खतरनाक जो स्वर का जो है यही टाइप है, इसको अच्छे से अपना दिमाग में कवर करके अपना रखेंगे। अब पूछता है किन किन स्वरों का मैच हुआ, मिलन हुआ, तो धू में के मधु में के ऊ ले लिए आप, मधु में के ऊ ले लिए, और री से कौन स्वर है फर्स्ट वाला, अ है, तो ये आपको बन गया है व, ऊ हो जाता है व, लेकिन अ के चलते सौसे व हो गल, अ के चलते क्या हो गल, सौसे अ, होश में रहिएगा होश में। चलिए दूसरा समझते हैं, इति प्लस आदि आ गया, तो ई वाला स्वर से कोई मतलब थोड़े है, फर्स्ट वाला स्वर के लास्ट में जो कौन स्वर है उसको देखना है। तो हे स्वर से कोनो तेला बेला नहीं है, चुप चाने उसको लिख दीजिए, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए त में ई है, हिरसिन के मतलब छोटी ई, अब ई छोटी हटेगा तो वो जगह से हटेगा उसको भी बताएं आधा कर देता है, तो त पर से ई हटा है तो त का हो जाएगा आधा हो गया, तो ई त का हो गया आधा हो गया भाई, आधा हो गया। अब त पके ई है ना, साइड में समझिए, त पके ई आ बाद में कौन है आ, तो आ है, तो अ ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है, तो आपका य होगा कि नहीं होगा, य हो गया, चूंकि है रूल में अधे लिखने का हलंत लगा के, तो हलंत लगा दिए, लेकिन यहाँ पारा तक रहा आ, तो आ भी अपने यूज में आ जाएगा, आ के मतलब होता है आकार, तो ये हलंत तलंत हटा के अपना आकार ले लिया, तो इत्या हो गलो। आई लास्ट के दी से कोनो मतलब है, कोई मतलब नहीं, इत्यादि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। किन स्वरों का मिलन हुआ है भाई, तो ती है, यहाँ देखिए ना ती में के ई है, तो ई आ प्लस आ बराबर या, क्या हो गया, या। तो ये भी एक नंबर के खुराक है, अतः आप इसको मिसमैच नहीं कीजिए, इसको भी साथ लेकर चलना होगा आपको, यहाँ समझिए। अब तीन नंबर समझते हैं, सु प्लस आगतम, तो स पके ऊ हटेगा, तो जे पर से हटेगा ओके बर्बाद करके हटेगा, सफा खेल खत्म कर दिया। अब सप सु में के ऊ हटे तो ऊ चीज हो गया, क चीज आधा, क्या हो गया आधा। आ ऊ के बाद कुछो स्वर होके तो ऊ का हो जाए, वह हो जाए, तो धर व हो गल, लेकिन हव यहाँ आकार, तो आकार तोहर बेकार ना हो, आकार मतलब लग गया, आ के बदले का हो गया भाई, आकार लग गया। आ गौतम जोड़ दीजिए, काजी कोई दिक्कत है इसमें, स्वागतम, क्या हो जाएगा स्वागतम। आ किन स्वरों का मैचिंग हुआ, तो सु में के ऊ हो गया तो उसको लिख लीजिए, बड़ा कूद कूद के लिख लीजिए, आ लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, ऊ के क्या हो जाता है व, तो वाह हो जात, वह क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। चलिए चार नंबर समझते हैं, बहुत जबरदस्त, अनु प्लस आए, एकदम ध्यान से समझ लीजिए, कूद काद कीजिएगा तो कहीं के नहीं रहिएगा, कूदते रह जाइएगा, एगो क्वेश्चन
सट में नहीं करेगा नसीब में। इसलिए बढ़िया से सीख लीजिए ना। अगर संस्कृत हिंदी ऐसा विषय है जकरा दम पर आप डंका बजा सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर का सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से समझिए। तो अनु प्लस आय, देखिएगा अगर ये स्वर से कोनो मतलब नहीं है, हमारे लास्ट वाला शब्द के स्वर कौन है ना उससे मतलब है। तो अ के तो कोनो टेंशन नहीं है, करा समय का हो रहा है तो अ के छाप दिए। आ नु में के ऊ लगल हवा, नु में है ऊ, तो ऊ हटेगा तो न तो हो गया आधा, जैसा कि बता रहे हैं बार बार, जब स्वर हटेगा आधा हो जाएगा तो आधा हो गया न। आ ई ऊ, ऊ का ऊ के बाद कोई भी स्वर होके तो ऊ के का हो जाए के बाद व हो जाए के बाद, तो व लिख दिया हमने के, चूँकि हलंत बा लेकिन ई अ के चलते सौंसे व हो जाए, ए अ के चलते उसको काम पूरा कर दिया। आई लास्ट के जो य है ना वो य छपा जाएगा तो अन्वय हो गया। क्या हो गया? अन्वय हो गया। ब्रैकेट में देख लेंगे, ब्रैकेट में अब उम्मीद करते हैं कि ब्रैकेट वाला काम अब आपसे हो जाएगा। अब ब्रैकेट का काम आप कर सकते हैं। तो उ प्लस अ बराबर क्या हो गया? व। तो अब ब्रैकेट में हम अब नहीं लिखेंगे, अब आप लोग अपना जब अपना कंप्लीट खुद से करना होगा। तो चलिए पहले कि नया व और ही देख लेते हैं। लिरी प्लस आकृति, तो देखिए लिरी के बाद कोई स्वर आए तो ल हो जाता है। क्या हो जाता है? ल। तो हम चुपचाप नहीं ल लिख दिए, लिख दिए जी, क्योंकि आधे ल है, हलंत लगवाया है, लेकिन है यहाँ आ, आ के मतलब होता है आकार, तो ल में आकार लगा दो तो ला 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 ला, ला हो गया। आकृति जोड़ दीजिए तो लाकृति हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लाकृति हो गया। यहाँ सबसे खतरनाक है, हमें स्टार पॉइंट लगाते हैं, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, होश में रहिएगा इस एग्जाम्पल में। यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़ा रहे हैं अब। यदि प्लस अपी है, यदि प्लस अपी, समझिए पहले, तो फर्स्ट वाले य से कोई मतलब नहीं, तो य के य लिख दिए, लिख दिए। आ द में है हिरसिन, द में है हिरसिन, यानी छोटी ई है, तो छोटी ई के बाद स्वर है अ, तो छोटी ई का क्या होना है? य होना है, तो ठीक हो गया। आइए तो साइड में समझावे थोड़ा सा आपको हम। तो ई के बाद क्या हो गया? अ है, तो उसका तो य मिल गया, क्या मिल गया? य मिल गया। और उसके बाद जो है य, और यहाँ पे है द, तो अब कहे हैं कि यहाँ पे हम आपको क्या कहे हैं कि स्वर हटेगा तो ये द आधा ना हो गया भाई, तो ये द हो गया आपका आधा। तो द आ प्लस य बराबर एक नया लेटर बनता है द। बुढ़वा में दिखाई दे रहा है भाई, ये जो समझा रहे हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, तो आप लोग भी समझ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। देखिए 12:30 रात बज रहा है और आप लोग समझ रहे हैं और बच्चा सबको भी पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसलिए देखिएगा यहाँ कटना नहीं चाहिए सीन। तो द प्लस य क्या होता है? द, ये द विद्यार्थी में लगता है, विद्यालय में यही लगता है, होश में रहिएगा। तो द प्लस य क्या होता है? द, तो ये चीज भाई ये अलग अलग ना लेके एक बदला सौंसे हाई वाला वर्ड यूज हो जाएगा। तो य द, य ध नहीं है, द है, द और य मिलल है, यद्य पि के पी, यद्यपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यद्यपि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ चलिए नदी में। तो नदी में दीर्घकार है तो कहें दीर्घकार भी रहेगा ना, तो य ही हो जाता है, दीर्घ हो तभी व हो जाएगा, वाला कोनो बात नहीं है। यहाँ चलिए नदी प्लस अम्बु, तो न से न के न लिख दीजिए, यहाँ देखिए फैली से लिखते हैं हम, तो न के न रह जाएगा, द में दीर्घकार निकलेगा, अरे द तो आधा हो गया, तो द आधा हो गया, और ई वाला दीर्घ ई अ के संग मिल के य बन जाएगा, तो आधा द आ प्लस य क्या बन गया? द्य। क्या हो गया? द्य। तो आप लिखिए द्य, लिख दिए द्य, न द्य आ मबू जोड़ दीजिए, न दम्बू हो गया, न दम्बू, ये आपका अजब गजब का एग्जाम्पल हो गया। अब ये देख लेते हैं अति प्लस आचार, तो अ के अ रख दीजिए, छाप दीजिए आप, यहाँ देखिए आराम से अ के अ छाप दीजिए, आ त में से ई हट जाइ तो हटी तो त के सौंसे न छोड़ी, बेकार कर दी, आधा हो जाएगा तो आधा त हो गया, अत हो गया। आ ई के का हो जाता है? ई का य हो जाता है, तो य लिख दीजिए। आ है आ माने आकार, आकार लगा दीजिए, आचार जोड़ दीजिए, अत्याचार, तेरा इमोशनल अत्याचार हो गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं धात्री प्लस अंश, तो यहाँ देखिएगा धा धा धा, धा से कोनो मतलब थोड़े है,
त में है री, त में है री, तो री का क्या हो जाता है र, री का क्या होता है र। तो अब बताओ यहाँ फिर साइड में समझिए, अब त्री है तो त्री में अगर कौन स्वर है री है, तो री हटेगा तो त के आधा करेगा कि ना करेगा, करेगा तो आधा त हो जाएगा, और री का क्या हो जाता है र हो जाता है, र र र, ये क्या हो जाएगा र हो गया। अब बताइए त और प्लस र बराबर त्र होता है, क्या होता है त्र, त्र में दुगो वर्ड है त और र, तो अब यहाँ हो जाएगा नया वर्ड त्र, धात्र, लेकिन यहाँ है क्या है जी, यहाँ अन है, अन का मतलब बूंदा, इसका असर आएगा तो बूंदा पड़ेगा धात्रांश, धात्रांश हो जाएगा, धात्रांश, धात्रांश हो जाएगा, होश में रहिएगा, यहाँ पे जो है काफ़ी एकदम इम्पोर्टेंट है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो ये आपका जो है गुण संधि और यन संधि, जो स्वर संधि के पांच प्रकार हम पढ़ा रहे हैं, उसमें कल के वीडियो भाग एक में हमने दीर्घ संधि आपको पढ़ाया है, और इस भाग में हमने आपको गुण संधि और यन संधि कवर कराया। अब बच रहा है इसका और दो भाग, जो हम आपको नेक्स्ट में जो है पढ़ा देंगे।